डिसऑन सीसी हुआ है, पुलिस कस्टडी हुआ है, जेसी नहीं हुआ है। एंड मैं भी जानना चाहती हूँ कितनी सच्चाई है इस केस में। एक लड़की जो ईरानी है, जो पर्दे में रहती है, उन्होंने इल्जाम लगाया है, उन्होंने हमें एक वीडियो भेजा है। 5 साल से उनका अफेयर था, 5 ईयर से, एक्सक्यूज मी गाइस, थोड़ा सा नीचे रखिए, 5 ईयर से अफेयर था। उन्होंने वीडियो भेजे हैं, हमें मदद की गुहार लगाई है। राखी मैम, वाइफ ऑफ आदिल खान दुरानी, मुझे कल ऑडियो भेजा उन्होंने, शर्लिन को, हमको, शैली मैम को, दीदी को, कि मुझे, मैं बाहर की कंट्री से आई हुई लड़की हूँ, मैसूर में रहती हूँ, मुस्लिम लड़की हूँ, और मुझे के हस्बैंड ने मेरे साथ ये कुकर्म किया है, और आपके हस्बैंड ने मेरे साथ ये गलत किया है। 5 साल से मुझे निकाह और शादी का वादा करके मेरे साथ कई सारे दुष्कर्म, रेप, बलात्कार, रेप किया है, झूठे वादे के। मुझे उसने ऑडियो, वीडियो, स्क्रीनशॉट, ऑल द कॉन्वर्सेशन मुझे भेजा है। आदिल खान ने मुझे मारने का प्लानिंग किया, मुझे, राखी सावंत उनकी बीवी को, वो ईरानी लड़की को बोला है। यू गाइज अंडरस्टैंड हिंदी? मैं इंडिया में हूँ, मैं हिंदी बोलना जानती हूँ, प्लीज आप लोग समझ लीजिए, कि आप लोग ट्रांसलेट कीजिए कन्नड़ा में, तो आपको कन्नड़ा में भी बोलिए जो मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज कन्नड़ा में भी बोलिए। आई रिस्पेक्ट कन्नड़ा, आई रिस्पेक्ट मैसूर कर्नाटका, आई रिस्पेक्ट ऑल, आई वो आम और आदिल खान दुरानी वाइफ राखी सावंत और फातिमा, आए मैंने इस्लाम कबूल किया है, आदिल के लिए निकाह किया है, कोर्ट मैरिज किया है, और उन्होंने उस लड़की को कहा है, आदिल खान दुरानी ने, कि दिस इज ऑल पब्लिसिटी, दिस इज ऑल फेक, एक मेरी जिंदगी से भी खेला है। एंड उन्होंने बोला कि एंड ऑफ द 20 नवंबर दिसंबर आई एम गोइंग टू लीव राखी सावंत, आई विल टेक हर ऑल द मनी, मेरा पूरा पैसा लेके, ही इज गोइंग टू टेक अपार्टमेंट इन दुबई एंड ही इज गोइंग टू स्टे इन दैट ईरानी गर्ल। थैंक्स टू, आई लाइक टू थैंक्स टू दैट ईरानी गर्ल, के जब मैंने अपनी शादी का, निकाह का वीडियो वायरल किया, एंड शी गॉट अपसेट, एंड शी गॉट टू नो कि उसके साथ चीटिंग हुआ है, फरेब हुआ है, एंड ही वॉज रेपिंग हर, एंड आई हैव गॉट द ऑल द प्रूफ।